वफादार नेवला। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। किसान और उसकी पत्नी अपने बेटे के प्रति काफी समर्पित थे। एक दिन किसान खेतों से वापस आया और उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा नेवला पड़ा मिला। वो नेवला घायल था और दर्द में दिखाई दे रहा था। किसान ने उसे उठाकर अपने घर ले आया। उसने अपनी पत्नी को कहा कि उनके बेटे के पास पालतू जानवर के रूप में ये छोटा नेवला होगा। उसकी पत्नी अपने बेटे के पास नेवला रखने को लेकर आशंकित थी, लेकिन वो आखिरकार मान गई। किसान ने नेवले के घावों पर ध्यान दिया और उसे खाने पीने की चीजें दी। नेवला जल्दी ही ठीक हो गया। नेवला और किसान का बेटा एक साथ बढ़ने लगे। किसान की पत्नी को एक दिन बाजार जाना था। उसने अपने बेटे को अंदर ले लिया और अपने पति से उसकी देखभाल करने के लिए कहा। उसने उसे चेतावनी दी कि वो नेवले को अपने बच्चे के बहुत करीब ना आने दे। उसे असहज महसूस हो रहा था कि जानवर को अपने बेटे के पास जाने देना खतरनाक है। बच्चे की देखभाल उसके पति द्वारा की जाएगी, उसने कहा। स्थानीय साहूकार ने किसान से उसकी पत्नी के बाजार जाने के तुरंत बाद संपर्क किया। साहूकार ने कुछ समय पहले किसान को दिए गए पैसों को वापस करने की मांग की। उस मौसम में किसान की अच्छी फसल हुई और वो पैसा देने के लिए तैयार था। बच्चा सो रहा था और इसीलिए किसान बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सका। उसने बच्चे को अपने पालने में रखा और नेवले के पास छोड़ गया। उनका मानना था कि नेवला एक बुद्धिमान जानवर है और वो उसके बेटे की देखभाल कर सकता था। कुछ देर बाद किसान की पत्नी सब्जियों की टोकरी लेकर वापस आई। उसने पाया कि नेवला घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। उसने नेवले को देखा और महसूस किया कि कुछ सही नहीं था। नेवले का चेहरा और पंजे खून से लथपथ थे। वो हक्का बक्का रह गई। हे गंदे प्राणी, तूने मेरे बेटे को मार डाला है, वो रोई और सब्जियों से नेवले के सिर पर वार किया। वो अंदर भागी और अपने पालने में शांति से सो रहे बच्चे को देखकर राहत महसूस की। लेकिन फर्श पर एक काला सांप पड़ा था जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे और खून बह रहा था। सांप बहुत जहरीला लग रहा था। किसान की पत्नी को सच्चाई का एहसास हुआ कि क्या हुआ था। नेवले ने सांप को देखा होगा और ये महसूस करते हुए कि बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, नेवले ने सांप को मार दिया होगा। वो दौड़कर वापस नेवले के पास गई। उसकी आंखों में आंसू के साथ उसने जख्मी नेवले को गोद में उठा लिया और प्यार से उससे माफी मांगने लगी। नेवला वफादार था, इसलिए उसने उस बच्चे की रक्षा की। उन्होंने नेवले का इलाज करवाया और फिर सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो दिखे उस पर हमेशा यकीन नहीं करना चाहिए। अगर कुछ सही ना लगे तो जांच करनी चाहिए और फिर सही और गलत का फैसला करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है।